नैन्सी को खाना खाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ न कुछ खाते रहती थी। उसे जल्दी ही एक स्कूल में सरकारी टीचर की नौकरी लगी थी। वो स्कूल में भी अपने खाने पीने का एक अलग से ही थैला लेकर जाती थी। अरे नैन्सी, इस भारी भरकम थैले में क्या भरकर ले जा रही हो स्कूल में? अरे कुछ नहीं भाभी, वो तो बस मेरे नाश्ते और लंच का कुछ सामान है। जब से स्कूल की नौकरी लगी है तब से मैं तो ठीक से खा ही नहीं पाती। अच्छा भाभी, अब मैं निकलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नैन्सी, अपना बैग तो लेती जाओ। थैंक यू भाभी, अगर मैं भूल जाती फिर तो मैं भूख से पागल ही हो जाती। रोज की तरह ही नैन्सी आज अपना खाने का थैला लेकर स्कूल पहुँचती है। नैन्सी को देखते ही स्कूल के बच्चे और दूसरे टीचर में कानाफूसी होने लगती है। इंग्लिश की टीचर सोनल कोमल मैडम को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ सोनल मैडम? अरे कोमल, तुमने उस मोटी नैन्सी मैडम को देखा? आज फिर से झोला भरकर खाना लेकर आई है। पता नहीं है बच्चों को क्या सिखाती पढ़ाती होगी, अपनी तरह खाना खाना सिखाती होगी। इधर नैन्सी अपना बैग लिए क्लास में पहुँचती है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। सभी बच्चे अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। नैन्सी भी अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और बैठते ही अपने बैग में से पानी की बोतल और पराठे निकालती है। अरे यार, जल्दी जल्दी के चक्कर में नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला। वो क्लासरूम में बैठे बैठे ही चाय और पराठे खाने लगती है। सभी बच्चे नैन्सी मैडम की तरफ ही देखने लगते हैं। सभी बच्चे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो सभी बच्चे अपना नोटबुक निकालो और गाय पर निबंध लिखो। बच्चे अपना काम करने लगते हैं। तब तक नैन्सी अपना चाय और नाश्ता भी खत्म कर लेती है। थोड़ी देर बाद, बच्चों को तो निबंध लिखने में अभी टाइम लगेगा, तब तक फ्रूट्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग में से कुछ फ्रूट्स निकालती है और खाने लगती है। तब तक बच्चों ने भी निबंध लिख लिया था। एक एक करके सभी बच्चे अपना कॉपी लेकर नैन्सी मैडम को दिखाने लगते हैं। नैन्सी बच्चों का कॉपी चेक करती है और साथ में फ्रूट्स भी खाती है। फ्रूट्स तो खत्म हो गया, अब कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। हाँ, चिप्स खा लेती हूँ। नैन्सी अपने बैग से आलू के चिप्स निकालती है और खाने लगती है। स्कूल के बच्चे नैन्सी मैडम को खाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती है। जूली, अगर सुगंधा मैडम का किसी दिन पेट खराब हो गया तो फिर क्या होगा? तो क्या होगा, उस दिन मैडम टॉयलेट में भी बैठकर खाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, नैन्सी मैडम का खाना छूट नहीं सकता। दोनों बच्चों को हंसते हुए मैडम देख लेती है। जूली और सोना, तुम दोनों क्यों हंस रही हो? चलो अब तुम दोनों अपनी कॉपी लेकर आओ। अगर सही से तुमने निबंध नहीं लिखा होगा ना, फिर देखना कल तुम दोनों को मेरे लिए अपने घर से खाना लाना पड़ेगा। जूली, नैन्सी मैडम की सजा भी कितनी आसान है ना, मैं तो मम्मी से बोलकर एक टिफिन और खाना ले आऊंगी। नैन्सी मैडम कॉपी चेक कर रही थी तभी लंच हो जाता है। चलो सभी बच्चे अब खाना खा लो। नैन्सी अपना बैग लेकर कॉमन रूम में चली जाती है। वहाँ दूसरे टीचर भी अपना लंच लेकर खाना खा रहे थे। अरे नैन्सी, आज क्या लाई हो खाने में? आज तो मैं बस राजमा चावल लेकर आई हूँ। नैन्सी जल्दी से अपने बैग में से चार डब्बे बाहर निकालती है, जिसमें दो डब्बे में चावल और दो डब्बे में राजमा होता है। अरे ये दो दो डब्बे, आज हम सबके लिए खाना तुम ही लेकर आई हो क्या? नहीं यार, ये सब डब्बे मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी जल्दी अपना खाना खाने लगती है। सभी टीचर लंच खत्म करके उठ जाते हैं, लेकिन नैन्सी मैडम खाते ही रहती है। और सारा खाना खत्म करने के बाद वो अपना एक और डब्बा निकालती है और उसमें से दो गुलाब जामुन निकालती है और वो खाती है। नैन्सी रोज ही इतना खाना खाती थी। वो रोजाना पांच तरह के फल खाती है, नमकीन बिस्किट खाती। एक दिन तो वो नाश्ते में आठ आलू के पराठे लेकर आई थी और सारे पराठे वो खुद ही खाई थी। इतना सब खाने के बाद भी नैन्सी का पेट नहीं भरा। वो क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के बाहर खड़े ठेले वाले से छोले भटूरे तो कभी छोले कुलचे लेकर खाती थी। एक दिन की बात है, रोज की तरह ही नैन्सी मैडम अपना खाने से भरा बैग लेकर स्कूल आती है और क्लास में आते ही, अरे आज तो मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, बहुत जोरों की भूख लगी है। उसके बाद नैन्सी मैडम जल्दी से कटोरी भर के नमकीन निकालती है और चाय के साथ खाने लगती है। नमकीन खाने के थोड़ी देर बाद, अरे ये मेरे पेट में गुरगुर कैसी हो रही है? नैन्सी मैडम के पेट से गुरगुर की आवाजें आने लगती है
और उसे खट्टी खट्टी डकारे भी आने लगती है। थोड़ी देर बाद नैन्सी मैडम को बहुत तेज पोटी का प्रेशर बनता है और वो दौड़ी दौड़ी टॉयलेट की तरफ जाती है। दूसरे क्लास के टीचर भी नैन्सी को दौड़ते हुए देख लेते हैं। वो टॉयलेट में पोटी करने लगती है, तभी उसके पेट से बहुत तेज तेज आवाजें आने लगती है। अरे ये क्या, मुझे तो लूज मोशन हो गया। नैन्सी के पोटी करने का आवाज बाहर तक आ रहा था और वो दूसरे क्लास के बच्चे और टीचर को भी सुनाई दे रहा था। पूरे स्कूल में बहुत ही गंदी बदबू फैल जाती है। इधर नैन्सी काफी देर तक टॉयलेट में बैठे बैठे पोटी करती रहती है। कल रात मैंने ढेर सारे छोले भटूरे खाए थे, लगता है उसी से मेरा पेट खराब हो गया। हे भगवान, मेरे पेट में तो बहुत तेज दर्द भी हो रहा है। काफी देर होने के बाद भी नैन्सी बाहर नहीं आती तो सफाई करने वाली शांति काकी उसे आवाज लगाती है। नैन्सी मैडम, कितना टाइम लगाइएगा, हमको सफाई करके घर भी जाना है। हाँ शांति, अभी निकलती हूँ। उसके बाद नैन्सी टॉयलेट के बाहर आती है और हाथ मुंह धोने के बाद क्लासरूम में जाती है। तभी एक स्टूडेंट आकर कहती है, मैडम आपने जो मुझे होमवर्क दिया था उसमें से मुझे कुछ पूछना है, वो मुझे मैथ्स के कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप बता दीजिए। तभी नैन्सी उसे बताने लगती है। तभी उसके पेट में फिर से तेज तेज गुरगुर होने लगता है और उसे फिर से प्रेशर आ जाता है। वो दौड़ते हुए टॉयलेट की तरफ भागती है, लेकिन प्रेशर इतना तेज था कि बाहर ही उसकी बॉटी निकल जाती है और वो लूज मोशन करते हुए टॉयलेट पहुंचती है। उसने पूरा फ्लोर पोटी से गंदा कर दिया था, पूरा स्कूल पोटी की बदबू से परेशान हो गया था। छी, अरे यहाँ किसी ने पोटी करी है, छी छी। जरूर ये पोटी नैन्सी मैडम ने की है, क्योंकि अभी अभी वही यहाँ से भागते हुए टॉयलेट में गई है। इधर नैन्सी को खूब मोशन होता है, वो जैसे ही उठकर हाथ धोने लगती उसे फिर से पोटी आ जाती और वो जोर जोर से आवाज कर करके पोटी कर रही थी। बाहर सभी पोटी की बदबू से परेशान होकर क्लास छोड़कर बाहर ग्राउंड में आ जाते हैं और फिर ये बात प्रिंसिपल मैडम तक पहुँच जाती है और वो अंदर आकर देखती है तो गुस्सा हो जाती है। ये किसके करतूत है, किसने की है इतनी गंदी हरकत, और किसकी होगी, उसे भूखकर नैन्सी की है जो पूरे दिन क्लास में बैठकर ठूसती रहती है। अब इतना खाएगी तो लूज मोशन तो होगा ही ना, अब इनकी वजह से पूरा स्कूल परेशान हो गया है। अब हम लोगों से यहाँ एक मिनट और नहीं रुका जा रहा। प्रिंसिपल मैडम ने शांति को बुलाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई। नैन्सी कहाँ है? मैडम जी वो तो जब से टॉयलेट में ही बैठी है। ठीक है जाओ और उसे बुला कर लाओ। शांति काकी उसे बुलाने जाती है, लेकिन वो देखती है कि नैन्सी वही टॉयलेट के फर्श पर बेहोश होकर गिरी हुई है। वो प्रिंसिपल मैडम को वहाँ बुलाती है और प्रिंसिपल मैडम स्कूल प्रशासन की मदद से नैन्सी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। देखिए, काफी ज्यादा लूज मोशन होने की वजह से इन्हें डिहाइड्रेशन हो गया है, मुझे जल्दी ही इनको ग्लूकोज चढ़ाना होगा। अस्पताल में भी नैन्सी को लूज मोशन होता जा रहा था। हॉस्पिटल के बेड और गद्दे भी नैन्सी की वजह से खराब हो गया था। कुछ देर इलाज के बाद नैन्सी का लूज मोशन सही हो जाता है और उसे होश आ जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने डॉक्टर, प्रिंसिपल मैडम, बाकी स्कूल के बच्चे खड़े थे। नैन्सी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। तभी डॉक्टर कहते हैं, नैन्सी जी आपको कुछ दिनों तक लिक्विड डाइट पे रहना पड़ेगा, उसके बाद भी अब आपको हल्का और सादा खाना ही खाना होगा, क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से आपके लीवर में सूजन आ गया है। डॉक्टर साहब अब मैं बहुत ही कम खाना खाऊंगी, आज मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई है, हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दें। ओवर खाने की आदत की वजह से मैंने कभी बच्चों को सही से नहीं पढ़ाया, हमेशा सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दी, जिस वजह से आज मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, मुझे आप सब माफ कर दीजिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब हमें उम्मीद है कि अब आप आगे से खाने पीने का खास ध्यान रखेंगी और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देंगी, क्योंकि सेहत ज्यादा खाना खाने से नहीं बनती, इसलिए उतना ही खाना चाहिए जितने की जरूरत हो।